शाम के समय में खाना क्यों नहीं खाते हैं? आप लोग सुनते होंगे कि आपके दादी वगैरह कहते होंगे कि शाम के समय में खाना नहीं खाए, ऐसा क्यों कहा जाता है? आपको इस वीडियो का लास्ट तक बना रहे, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। यानी कि वर्ल्ड में सबसे अधिक अखबार पेपर कहाँ पढ़ा जाता है? जी हाँ, एक ऐसा देश है जो कि पेपर वहाँ सबसे अधिक पढ़े जाते हैं, हांगकांग। हांगकांग एक ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे अधिक पेपर पढ़े जाते हैं। मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा, मंडल सौर मंडल के बारे में कुछ भी पहले कौन पता लगाया, वह कब पता लगाया? जी हाँ, वह कब पता लगाया? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में पता कर लिया था कि सौरमंडल में क्या है, सौरमंडल कैसा है, इसके बारे में वह 1543 ईस्वी में ही पता कर लिया था। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कब आरंभ किया गया कि नोबेल प्राइज दिया जाएगा, यानी कि नोबेल प्राइज जो नोबेल प्राइज जीतता है उसको दिया जाएगा, और किस सरकार ने पहले इसको आरंभ किया? सो 1901 में आरंभ किया गया, वह सरकार है स्वीडन के सरकार ने पहली बार आरंभ किया कि नोबेल प्राइज दिया जाएगा, बाकी कोई नहीं देता था। मेरे वीडियो पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरे दुनिया में कौन सा पदार्थ है, खनिज है, जो कि सबसे महंगा बिकता है, यानी कि सबसे महंगा है? जी हाँ, उस खनिज का क्या नाम है? यूरेनियम। यूरेनियम है जो सबसे महंगा बिकता है, वो उससे महंगा कोई पदार्थ नहीं है, कोई खनिज नहीं है। वीडियो मेरा अच्छा लगे। पृथ्वी पर जो काले मिट्टी अधिक होते हैं, काले, वो काले रंग का ही क्यों होते हैं? वो काले रंग के पीछे क्या राज्य है जो कि काले रंग का होता है, वो क्यों होता है? जी मैं आपको बताता हूँ, इसलिए होता है कि टेटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण वह मिट्टी काले होते हैं, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो विटामिन बी की खोज कौन सा विज्ञानी किया है, कौन सा साइंटिस्ट किया है जो विटामिन बी का खोज किया है? मैं आपको बता देता हूँ उस साइंटिस्ट का क्या नाम है। जी हाँ, उस साइंटिस्ट का नाम है मैकुलन नाम है, जो कि विटामिन बी का खोज किया था। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कौन सा देश है जहाँ पर 5 सूरज दिखता है, यानी कि वहाँ 5 सूरज दिखाई देता है, कौन सा शहर है? जी आपको बताता हूँ क्यों, चीन में 5 सूरज दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब कोहरे के कारण यानी कि जो सर्दी के समय कुहासा जिसे कहा जाता है, उसके कारण चीन में 5 सूरज दिखाई देते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगा है। भारत में कौन सा एक ऐसा जगह है जहां पर हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है, यानी कि हवाई जहाज जो लैंड कराया जाता है वह सबसे ऊंचा है हवाई अड्डा? जी हाँ, लद्दाख में हवाई जहाज अड्डा सबसे ऊंचा है। मेरे वीडियो अच्छा लगा है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। विश्व का सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय खुला? जी हाँ, उसका नाम क्या है? तक्षशिला पहले विश्वविद्यालय खुला। जी, वह कब खुला? 1800 ईस्वी पूर्व, यानी कि 1800 ईस्वी पूर्व, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य इन लोग ने पढ़े हुए हैं। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा है तो भारत जब आजाद हुआ उस समय राजा कौन था, यानी कि अंग्रेजों का राजा कौन था, इंग्लैंड का राजा कौन था? मैं आपको बताता हूँ उस राजा का क्या नाम है। उस राजा का नाम था जॉर्ज, जो कि आजादी के समय राजा था, उसी के कारण उसके बाद राजा कोई नहीं बना, उसके बाद वो भी आजाद हुआ। मेरे वीडियो भारत के सबसे ऊंचे दरवाजा कौन सा है, जिसका नाम क्या है, उस दरवाजे का क्या नाम है? मैं आपको बताता हूँ कि भारत का ऊंचे दरवाजा यानी कि बुलंद दरवाजा को कहा जाता है, यह कहाँ पर स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। मेरे भारत में पहली बार अंग्रेजी कौन सा व्यक्तियों ने आरंभ किया? आप लोग कहेंगे कि भारत में इंग्लिश पहली बार गवर्नमेंट सरकार ने आरंभ किया होगा, इंग्लिश का माने यानी कि उसको सिखाने का प्रक्रिया, लेकिन मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट नहीं किया था, पहली बार लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश का आरंभ किया सिखाने का, बाद में गवर्नमेंट ने इसको जारी रखा, जो कि आज इंग्लिश का प्रचार है। समय शाम के समय में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे क्या राज्य है, जो कि लोग कहते हैं शाम के समय बाबू खाना नहीं खाए, यानी कि इसके पीछे क्या राज्य है? मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे यह राज्य है कि आप देखते होंगे कि शाम के समय मच्छर जो होते हैं, मच्छर
हमारे घर और दरवाजे पर आ जाते हैं, लेकिन आप मच्छर के साथ जीवाणु कीटाणु भी आते हैं जो आप उसे देख नहीं सकते हैं। और वहाँ जब आप खाना खाते हैं उस समय आपके प्लेटों पर बैठ जाएगा माछी की तरह, आपको दिखेगा नहीं, और उसके साथ में आप खाना के साथ में उसे खा लेंगे, और खाने के बाद आपका तबीयत अधिक खराब हो जाएगा, जिसके कारण कहा जाता है कि शाम के समय नहीं खाए। यह बहुत अच्छा प्रक्रिया है, यह कहने में अच्छा है, जिसे खाना नहीं खाते हैं लोग बीमारी से बचते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।